नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। प्रशासन की कड़ी मेहनत से अब तक जनपद बिजनौर कोरोना जैसी भयंकर महामारी से महफूज है। जनपदीय पुलिस निजामुद्दीन मरकज में शामिल होकर लौटे जमातियों की तलाश में जुटी है, जिसके चलते पुलिस को 20 और जमाती मिले हैं। अब तक जनपद बिजनौर में 170 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। वहीं ASP सिटी लक्ष्मी निवास मिश्र ने बताया कि जनपद में 150 जमातियों को आइसोलेट किया है। सभी की रिपोर्ट नॉर्मल आई है, किसी में भी कोरोना संक्रमण नहीं पाया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस को 20 और जमाती मिले हैं जो अलग अलग थाना क्षेत्रों से हैं, उन्हें भी क्वारंटीन किया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी जमाती हो सामने आ जाए तथा प्रशासन का सहयोग कर जानकारी दें कि वह कब जमात में शामिल हुए थे और अब तक किन किन लोगों से मिले हैं, जिससे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। यदि इसके बाद भी कोई जमाती सामने नहीं आया और बाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिजनौर से फैसल खान की रिपोर्ट। बिजनौर में अब तक कितने लोगों को परीक्षण कराया गया है, कितने की रिपोर्ट आ गई है और अब तक कितने हुए? अब तक लगभग 150 से अधिक लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराया गया है और अभी तक बिजनौर में कोई भी पॉजिटिव नहीं मिला है। परीक्षण रिपोर्टें आ रही हैं, आज की डेट तक कोई भी पॉजिटिव नहीं मिला। कल जमाती कितने सर मिले? लगभग अलग अलग थाना क्षेत्रों में 20 की संख्या में मिले हैं जिनको क्वारंटाइन करा दिया गया है। तो तलाशी जारी है अभी भी कुछ लोग? ये आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। हम लोग सर्विलांस की मदद से और अन्य सभी हर संभव तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो भी जमाती छिपे हुए हैं उनको घरों से निकाल करके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करा दिया जाए। क्या इनके खिलाफ आगे कोई FIR वाली कार्रवाई भी होनी है? बिल्कुल, अब जो मिलेंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे।